दुखों से छूटने का मार्ग है, दुखों से बचने का मार्ग है। यदि दुखों से बचना चाहते हो तो सबसे पहले शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करो, शरीर के प्रति एकत्व का त्याग करो, देह के प्रति अपनेपन का त्याग करो, ऐसा मनिराज कहते हैं। फिर अब ये कहता है कि भाई देह के प्रति ममत्व का त्याग कैसे करूं मैं, ये देह मेरी है ना, आपने तो कह दिया शरीर से विरक्त हो जाओ, वैसे कहने से थोड़ी ना विरक्त होते हैं, इतना आसान नहीं है शरीर से विरक्त होना, शरीर से मोह ममत्व टूटना। तो आचार्य जी यहाँ कहते हैं कि अरे भैया शरीर से ममत्व टूटना आसान कैसे नहीं है, तुम शरीर के स्वरूप के बारे में विचार कर लो तो अपनापन ममत्व अपने आप टूट जाता है। जब तक शरीर के स्वरूप के बारे में विचार नहीं किया तब तक तो अपनापन बना रहता है, और जैसे ही उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में पता लगता है तो अपनापन टूटना बहुत आसान काम है। देखो किसी व्यक्ति को मित्र मान रहे थे हम, और ऐसा समझ रहे थे यही हमारा भला करने वाला, ये हमारा सच्चा मित्र है, अच्छा दोस्त है हमारा, और जैसे ही हमारे को पता लगा कि अरे रे ये तो हमारे को मुसीबत में डालने वाला है, ये हमारे को दगा देने वाला है, इसकी वजह से हम संकट में पड़ जाएंगे, बोलो अब उसके साथ में मित्रता कितने दिन चलेगी, कब तक है मित्रता, जब तक उसे अपना हितेशी जाना तब तक ही मित्रता है। और जब हमने ये जान लिया कि ये हमारा हितेशी नहीं है, ये हमारा भला करने वाला नहीं है, तो फिर उसके साथ में मित्रता भी नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार देह को शरीर को हमने अपना हित करने वाला अपना भला करने वाला जाना, और आचार्य देव ये कहते हैं कि ये तुम्हारी आपदाओं का स्थान है, तो फिर देह के प्रति विरक्ति हो जाती है। मैंने शरीर के प्रति विरक्ति दिलाने के लिए देह को आपदाओं का घर, विपत्तियों का स्थान आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, जिससे शरीर के प्रति अपनापन टूट जाए। देखिए पेज नंबर 91 पर, 91 पेज पर है, शरीर से विमुख न होते हुए जीव को, क्या कहा, ऐसा जीव जो शरीर से विमुख न हो रहा है उस जीव को मुनिराज सारभूत उपदेश देकर शरीर से विमुख क्यों करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। प्रश्न उठाया है ऐसा कि ये जीव शरीर से विमुख नहीं हो रहा तो मुनिराज क्यों चाहते हैं शरीर से विमुख हो गए, आपको क्या पड़ी, नहीं हो रहा है तो मत होने दो ना। जैसे कई बार हम ऐसी बातें कह देते हैं, हम नहीं मानता है तो मत मानने दो, बढ़ने दो उसको, बोलते हैं ऐसा घरों में, हाँ कुएं में जा हमारी तरफ से, जाने दो उसको, जो करे जो करने दो, अपन क्या करें, नहीं माने तो कह दिया, बहुत समझा दिया इसको, बहुत हाँ चूल्हे में पड़ो, हमारे समझो आप ऐसे ही। अभी शंकाकार ये कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं कह देते महाराज, नहीं मान रहा है तो जाना यहाँ से, हमारे क्या लेना देना है, नहीं मान रहा है जबरदस्ती समझा रहे हो उसको, देह के प्रति अपनापन ममत्व नहीं तोड़ रहा है तो नहीं तोड़ रहा तो मत तोड़। लेकिन फिर भी ये जीव देह के प्रति बहुत अपनापन करता है, बहुत उसे अपना मानता है, फिर भी उससे विमुख करने के लिए आचार्य देव प्रयास करते हैं। 98-98 नंबर का श्लोक है, वसंतिल का छंद, भक्तामर। क्या यह शरीर ऐसा वैसा है, क्या कहें हम इन कथनों से, क्या सार है, कब तक कहाँ तक कहेंगे तेरे को कि ऐसा वैसा है, न मालूम कैसा है ये शरीर। बस तो इतना ही समझ ले एक शॉर्ट बात में कि तूने बार बार भोगा सब दुख का घर,
ये सारभूत बात समझने। हम और कुछ नहीं कहना चाहते कि तेरा शरीर गलने वाला है, कि तेरे शरीर के अंदर है अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं, कि मल मूत्र का घर है, मल घट है, मल बनाने की फैक्ट्री है, नौ द्वार भये घिनकारी, दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे। हम कुछ नहीं कहना चाहते, कहाँ तक कहें हम, हमें कुछ नहीं कहना है तेरी तकलीफों के बारे में, लेकिन तू इतना समझ ले कि इस शरीर को तूने बार बार भोगा है और दुख उठाए हैं, अब बस इतने मात्र में पर्याप्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। अर्थ देखिए, यह शरीर ऐसा है वैसा है, इस प्रकार बहुत कहने से क्या साध्य है। देखो अब इसमें दो तरह की बातें ले सकते हैं, ऐसा है वैसा है ऐसा कहकर के इसकी बुराई बताने में क्या सार है, एक तो अर्थ ये लेने, और दूसरी बात अरे नहीं साहब ये शरीर तो ऐसा है, इस तरह से इस शरीर की अच्छाई बतलाने में भी कुछ साध्य नहीं है, ये भी बेकार की बात है। दोनों तरफ से इस बात को ले सकते हैं, अच्छाई के अर्थ में भी और बुराई के अर्थ में भी। वैसे बुराई के अर्थ में ज्यादा उपयुक्त लगता है कि इस शरीर की ज्यादा बुराई करने से कोई सिद्धि नहीं होगी, इसलिए हमारे को कोई देह पुराण नहीं लिखना है, इस शरीर का वर्णन करते रहे हम, हमें तो आत्मा की महिमा गानी है, और हमें तो देह के प्रति तेरा अपनापन तोड़ा करके आत्मा तक ले जाना है, अपने स्वरूप तक ले जाना है। तो हम दुखों की चर्चा करें कि आनंद के गीत गाएं, बोलो क्या अच्छी बात है, शरीर से तुमने ये तकलीफ पाई है, ये दुख उठाए हैं, कभी नरकों में, कल बोला था आपने नरकों में ऐसी मार पड़ी, तो गुजरा जमाना भूल गया, सभी तिरंज गति में जाकर के दुख उठाए हैं, और ऐसे ऐसे दुख हैं कि घाव हो जाते हैं, देखो आप जानवरों के शरीर में, और कीड़े पड़ जाते हैं उनमें और तड़पड़ाते रहते हैं, चैन नहीं पड़ता है, कुत्तों को ऐसे देखा होगा आपने जानवरों को सड़क पर, कितने सारे दुख सब शरीर के पीछे हैं जितने दिखाई देते हैं। हाँ चिड़ियाएं कीड़े पड़ गए हैं, चिड़ियाएं आकर के उसमें से चींटों को खाती है, कीड़ों को खाती है, मनुष्य के हो जाते हैं, इतने अपार दुख। अब हम ये कह रहे हैं कि अब क्या करें, वो लोग इनका तो वर्णन करने में खूब किए जाओ, क्योंकि वर्णन किसी एक व्यक्ति के शरीर का तो करना नहीं है, समष्टिगत कथन होगा तो हजारों प्रकार के दुख है, करोड़ों प्रकार की बीमारियां हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, लेकिन तकलीफ के बिना कोई नहीं है। रोम रोम में रोग है, तन रोगों की खान है, ये कथन है, शरीर तो रोगों और बीमारियों की ही खान है, खजाना है, और जो खान जिस चीज की होती है उससे वो ही निकलता है, और साफ कल तक तो कुछ नहीं था और क्या बीमारी हो गई थी, रोगों की खान है तो खान में से तो वही निकलेगा, बोलो सोने की खान में से सोना ही निकलेगा, और कोयले की खान में से कोयला निकलेगा, हम समझे कोयले की खान में से सोना निकल जाए कैसे होगा, तो तन किसकी खान है, रोगों की खान है, तो क्या निकलेगा, रोगी निकलेगा, शरीर यदि बीमारियों की खान है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो किस समय कौन सी बीमारी दिखाई देने लगे, अंदर तो सब भरी है, और साहब कल तक तो कुछ नहीं था, आज टेस्ट कराया तो कैंसर हो गया, तो आज थोड़ी हो गया कैंसर, आप क्या सोच रहे हो आज हो गया है, आज तो जांच में आया है, और जांच और महीने भर नहीं कराते तो और महीने भर नहीं होता ऐसा मान लो, अरे साहब काय को जांच करा लिया आपने, नहीं कराती तो और महीने भर कैंसर नहीं होता, ऐसी बात थोड़ी ने, क्या करें अंदर में भरे हैं ये सब, बहुत कहने से क्या लाभ है। हे जीव, तूने इस संसार में शरीर को बारंबार भोगा और छोड़ा, बार बार में भोग भोग करके छोड़ा है, संक्षेप में तुझसे इतना ही कहना है कि यह शरीर ही जीवों के लिए सर्व आपदाओं का स्थान है, दुख का घर, ऐसे शब्द दिए हैं पद्यानुवाद में, सब दुख का घर यह समझो सार, सारभूत बात यह है कि इस शरीर को दुख का स्थान, दुख का घर, दुख का जन्मदाता,
और ऊपर तो देखो आप क्या जननम जनानाम ऐसे शब्द दिए हैं संस्कृत श्लोक में, सर्वा पदाम पदमिदम जननम जनानाम, जननम जन्म देने वाले जनानाम लोगों को पदम इदम सर्वा सर्वा पदाम सर्व आपदाम सभी आपदाओं को जन्म देने वाला है इन लोगों के लिए। ये कौन कि तम तव संकल्य, आपका ये जो शरीर दिखाई देता है ये शरीर सभी प्रकार के सब जीवों के लिए सभी प्रकार की आपदाओं को जन्म देने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। शरीर माने देखो आप ये टेस्ट कराने के लिए जाए और पूरे शरीर का चेकअप कराए और पूरे शरीर का चेकअप कराने के बाद में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, कहते तुम्हारी मशीन खराब हो सकती है, तुम्हारी जांच खराब है, रिपोर्ट सही नहीं है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती है। जो रिपोर्ट दिगंबर संत दे रहे हैं कि तुम्हारा शरीर तो रोगों की खान है, ये रिपोर्ट सच्ची है कि वो रिपोर्ट सच्ची है? वो सारी रिपोर्ट 10 प्रकार के टेस्ट करा लिए, जांचें करा ली, खून की इसकी उसकी मलमूत्र आदि की सारे शरीर की जांच कर ली उसने और सारी जांचें आई, अरे सब नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, कि सब झूठी है बातें। तुम्हारी मशीनें उन सूक्ष्म बीमारियों को और बीमारियों के कणों को पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे ऐसे हैं कि जिनके रोग का अभी तक पता नहीं, पता ही नहीं है भाई। ये कहता है मेरे को तकलीफ है और टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। बोलो ऐसे बहुत है ना, तकलीफ बढ़ती जा रही है, मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ और जब जांच कराता हूँ तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब क्या है कि उन मशीनों से हाँ मैं नॉर्मल थोड़ी ना हो गया इसका मतलब। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी तबीयत ठीक है, बीमारी तो है ही कहीं ना कहीं, पकड़ नहीं पा रही है मशीन तो नहीं पकड़ सकती। नाम का ही पता नहीं कौन सी बीमारी है। देखिए अब भाव अर्थ, इसके भाव क्या कहते हैं, दृष्टांत सिद्धांत रूप उपदेश तो बहुत कहा, तेरा भला न होना हो तो कितना भी कहें सब निष्फल, इसलिए इन्होंने कह दिया पहली लाइन में इत्थम तथेति बहुना किमुदीरितेन, क्या मतलब और ज्यादा बहुत कहने से क्या लाभ होने वाला है, क्या प्रकट हो जाएगा, किम उदीरितेन क्या लाभ हो जाएगा, क्या प्रकट हो जाएगा इससे, तेरा भला होना हो तो कितना भी कहें सब निष्फल है, भला न होना हो तो अब तेरा भला तेरी होना ही खोटी है, अब कितना भी समझाएं तेरे समझ में तो आएगी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि इसके ऊपर मोह की चादर पड़ी है, इसके ऊपर तो पता नहीं कौन सी नशे की गाय की एक पट्टी बांध रखी है इसने तो अपनी आंखों पर, इसको दिखता ही नहीं है। बोलो ये इसको परेशान कर रहा है, ये इसको संकट में उलझा रहा है, ये इसको फंसाने के काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर पता नहीं इसने कैसी पट्टी बांध रखी है कि इसको ये भला ही दिखता है, ऐसा बोलते हैं बस, इसको ऐसा ही दिखता है कि यही मेरा भला करने वाला है, यही मेरा हित करने वाला है। आचार्य देव कह रहे हैं ऐसी पट्टी तूने आंखों पर बांध रखी है भाई, तुझे शरीर भला करने वाला दिखाई देता है, अच्छा और हितकारी दिखाई देता है, हम तुझे क्या समझाएं और कितना समझाएं, ज्यादा समझाने से कोई लाभ नहीं है, होनार फूटी होगी तो कुछ नहीं समझ में आएगा और होनार भली होगी तो इतना कहने मात्र से कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है समझ में आ जाएगी। देखो आप तूने ही अनादि से शरीर धारण करके अनेक दुख भोग कर उसे छोड़कर पुनः नवीन शरीर धारण किया, तूने किया ये काम नया शरीर धारण, क्या किया दुख भोगते हुए अनादि काल से पुनः पुनः इस शरीर को छोड़ा फिर नया, फिर उसको छोड़ा फिर नया, फिर छोड़ा फिर नया। अतः संक्षेप में हम इतना ही कहते हैं कि यह शरीर ही जन्म मरण क्षुधा तृषा रोगादि सर्व दुखों का स्थान है। क्या क्या कह दिए, जन्म का स्थान शरीर और मरण का शरीर, शरीर नहीं हो तो जन्म कैसा और शरीर न छूटे तो मरण कैसा,
यानी शरीर की वजह से ही जन्म है, शरीर के संयोग का नाम जन्म और शरीर के वियोग का नाम मरण, शरीर के संयोग और वियोग का नाम जन्म मरण, और क्षुधा तृषा रोगाधिक, क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, रोग माने बीमारियां, और ऐसा भी लगा सकते हैं भूख प्यास आदि रोग, क्षुधा तृषा रोग कहे है ना, क्षुधा तृषा रोग मतलब सबसे बड़े रोग तो यही है। आपको लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, अरे हमारे कौन सा रोग है, नहीं यहाँ ही कहना चाह रहे हैं कैसे नहीं है आपके रोग, कैसे नहीं है, ये भूख प्यास के रोग तो हैं, ये कोई कम बीमारी है क्या, भूख प्यास की बीमारियां कोई कम बीमारियां नहीं है, निरंतर ये ऐसे रोग हैं जो रोग मिटते ही नहीं, कितना खा ले कि भूख क्षुधा रोग विनाशन आए, क्षुधा रोग मिट जाए, और कितनी पूजाएं करके हम क्षुधा रोग विनाशन आए, नैवेद्यम देव पामी थी नैवेद्य चढ़ाए क्षुधा रोग, साफ साफ बोलते हैं अपन क्षुधा रोग विनाशन आए, तृषा रोग विनाशन आए, भूख और प्यास का रोग लगाया हमारे सबसे बड़ी बीमारी, भूख नहीं लगने को भी रोग मानता है, भूख ज्यादा लगने को भी रोग मानता है, बड़ी समस्या है ये, बड़ी बीमारियां हैं भाई, क्या करें। क्या कहते हैं आचार्य देव कि जन्म मरण क्षुधा तृषा और रोग आदि सर्व दुखों का स्थान है, इसलिए शरीर से विरक्त होकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे शरीर का संबंध ही ना हो। पदम इदम मतलब होता है यह, पदम मतलब यह पद, शरीर की बात है, इसको प्राप्त करके ऐसा भी कह सकते हैं इसको। देखिए कैसा कहा, शरीर से विरक्त होकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे शरीर का संबंध ही ना हो, और जिनको शरीर का संबंध नहीं होता उनको होती असली मुक्ति, देह मुक्ति ही वास्तव में असली मुक्ति है, ये नवीन जन्म धारण करने की बात नहीं, सदा सदा के लिए पांच प्रकार के शरीरों से जिसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ऐसी सिद्ध अवस्था, ऐसी सिद्ध दशा, वही तो मुक्ति है। औदारिक, वैक्रियक, आहार, तेजस, कारमण, ये पांच प्रकार के शरीरों का जहां वियोग हो गया, पांच प्रकार के शरीरों से जहां छूट गया सदा सदा के लिए, उस मुक्ति का नाम असली मुक्ति है, उसका नाम है मोक्ष। और ऐसा उपाय करना चाहिए कि अब भविष्य में देह छूटना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन छूट करके दोबारा प्राप्त न होवे वो इम्पोर्टेंट बात है, छूटती तो है ही, सभी की छूटती है, अनंत बार छूटी है, लेकिन छोड़ करके क्या किया जी दोबारा प्राप्त कर ली तो, जैसे एक समय बगड़ जाएगा नहीं रहा, जैसे कहते हैं अरे साहब हमने छोड़, अरे साहब कई बार छोड़ के देख लिया, कि छोड़ के देख लिया फिर दोबारा भी तो ग्रहण कर लिया, कई बार छोड़ करके देख लिया इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज के बारे में कई बार ऐसा करके देख लिया, कई बार इसका त्याग करके देख लिया किसी चीज के बारे में, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने कई बार रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कई बार रात्रि भोजन का त्याग, हमने तो एक ही बार किया था, आपने कई बार रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, गजब बात है, सब कई बार आलू का त्याग करके देख लिया, कई बार समझ में नहीं आती बात, हमने जीवन में एक ही बार किया था, अब दोबारा त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब ऐसे ही कह रहे हैं कई बार शरीर छोड़ दिया साहब, कोई सुख तो मिलता नहीं है, तो कई बार क्यों छोड़ दिया तूने, एक बार ऐसे छोड़ता कि फिर दोबारा शरीर धारण ही नहीं करता तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती, असली बात तो ये है देह छोड़ी थी देह प्राप्ति के लिए, इसमें कोई दम नहीं था, देह प्राप्ति के लिए देह छोड़े उसकी यहाँ बात नहीं है, देह सदा सदा के लिए छोड़ देवे मुक्ति के लिए तो फिर वो महत्वपूर्ण बात है। और ये कह रहे हैं इस शरीर के प्रति विरक्त होने का उपाय करो, क्योंकि शरीर के प्रति विरक्ति इससे शरीर का संबंध नहीं होता, इसलिए जो बात पिछले श्लोक में कही थी आचार्य देव ने वही बात इस श्लोक के अंदर भी जोड़ दी है, क्योंकि बात तो वही चल रही थी कि उससे विमुख करने की बात क्यों कर रहे हो, विपदाओं का घर जानकर इससे विरक्त होने से इसका संबंध टूट जाएगा,
और सदा सदा के लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस देह के प्रति, इस शरीर के प्रति, इस तन के प्रति विरक्त होना ही योग्य है। अब तन से होने वाले दुखों की चर्चा इन्होंने यहाँ थोड़ी थोड़ी की है आगे, जिनमें सबसे पहले दुख बतलाते हैं गर्भावस्था के दुख। ये मूल श्लोक आचार्य देव देते हैं यहाँ, तो ये कह रहे हैं गर्भावस्था के दुख। इस शरीर को ग्रहण करते हुए गर्भावस्था में तेरी क्या दशा हुई, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने आगामी छंद में क्या बात कहना चाह रहे हैं कि तेरी दशा कैसी हुई गर्भावस्था में। तू जो सोच रहा है ना कि शरीर से इनकी आराम मिल गया, अरे साहब शरीर से देखो आप शरीर स्वस्थ है, अभी शरीर ही नहीं हुए मान लो तो क्या करें, उठेंगे बैठेंगे किससे हम, अभी कम से कम शरीर है तो कहीं इधर उधर चले तो जाते हैं, शरीर रहेगा मतलब शरीर ठीक है तो। लेकिन ये कह रहे हैं शरीर ठीक रहता नहीं है, और शरीर की प्राप्ति जो तुझे हुई है वहीं से दुखों का प्रारंभ हो गया है, दुखों का सिलसिला शुरू हो गया है देह की प्राप्ति मात्र से। इसलिए गर्भावस्था के दुख कब से, शरीर को ग्रहण करते हुए, ग्रहण करते करते शरीर को प्राप्त करते करते, जैसे शरीर को प्राप्त करने के लिए बढ़ा वैसे ही दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या दशा हुई उसे यहाँ 99 नंबर के श्लोक में आचार्य गुणभद्र स्वामी 1000 वर्ष पहले बहुत मंद आक्रांत छंद में, मंदाक्रांता छंद में कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बक्षित खाए हुए अन्न के लिए मुंह फाड़े क्षुधा त्रशा पीड़ित वो दीन, ये उस गर्भ अवस्था की बात बतला रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि जिस गर्भ अवस्था में माता के खाए हुए अन्न से भक्षित अन्न, भक्षित अन्न का मतलब खाया हुआ भोजन, उस भोजन को प्राप्त करने के हेतु से मुंह फाड़े क्षुधा त्रशा से पीड़ित होता रहता है, अत्यंत दीनहीन होकर भूख और प्यास से पीड़ित होता हुआ भक्षित अन्न को प्राप्त करने के लिए भूख और प्यास की वेदना से निरंतर पीड़ित रहता है, और बढ़ने की आकांक्षा से हो मात गर्भ में गर्भाधीन, निरंतर बढ़ने की इच्छा से, बढ़ने की आकांक्षा से कब बड़े हो जाएं ऐसी इच्छा से गर्भ अवस्था में कर्म के अधीन रहता है। रहता कहाँ है, एक क्रमी समूह सह क्रमी माने लट कीड़े जीव जहाँ पड़े हैं उन समूहों के बीच में, पेट में कीड़े पड़े रहते हैं, विष्ठा मल पेट में भरा रहता है, क्रमी समूह कीड़ों के समूह जीवों के समूह, अपने को पता नहीं है पेट में कितने जीव हैं, ठीक है, मतलब समझ लीजिए आप अंदर तो क्योंकि जहां मल भरा हो उस जगह पर जीव कैसे नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिए कि क्या कहेंगे, विष्ठा बाहर निकलने के बाद में आप आंखों से नहीं देख सकते, यदि कहीं पड़ी हो बच्चे ने कर दी हो किसी ने तो आप उसे देख नहीं सकते, वो कैसी वहां जीव पड़ जाएंगे, गंदगी दुर्गंध कैसी हालत खराब है, और वो दुर्गंध से युक्त चीज
जब तक बाहर नहीं निकली थी तब तक कहाँ थी, ये पेट में ही पड़ी थी। बोलो हमने तो ऐसा मालूम नहीं चलता, ऐसे खबर नहीं, कभी विचार नहीं करते हम, लेकिन जो चीज बाहर निकल करके आई है वो ये बाहर निकलने के पहले कहाँ थी, वो बाहर निकलने के पहले पेट में ही तो भरी है। अब पेट में ये भिष्टा भरी है, पेट में मल भरा है, ये अपवित्र पदार्थ पेट में भरे हैं, और उन अपवित्र पदार्थ में स्टोर है, मल स्टोर है, मने कैसी दशा है भाई, लिए नहीं घूमता। बोलो आप, मैंने घंटे दो घंटे अंदर पड़ा रहे, आप समझिए, कहते भी हैं कई डॉक्टर वैद्य जी तो कई तरह की बात कहते हैं कि आप दो बार खाते हो तो आपको दो बार जाना चाहिए, कई वैद्य जी ऐसी बात कहते हैं। हाँ पहले के बड़े, हाँ आज भी जाते हैं पुराने लोग, बहुत सारे लोग, क्यों, क्योंकि देखो आप जो सुमत प्रकाश जी भी एक आध बार उन्होंने इस तरह की भी बात कही कि माने जितना टाइम उसको अंदर चाहिए, समझिए आप शाम का खाया हुआ यदि सुबह निकलता है तो सुबह का खाया हुआ शाम तक निकलना चाहिए ना वापस, अब वो जितना ज्यादा लंबे समय तक वो आपके पेट में भरा रहेगा, है तो पेट में, ये तो आप मान करके चलिए, और जब तक वो आपके पेट में है तब तक वो अंदर वायरस पैदा कर रहा है, बस जीव उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारी बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि यहाँ आचार्य देव ने अपने को कह दिया कृमि समूह सह, हम वहाँ रह रहे हैं कीड़ों के बीच में रहे हैं, ये जीव रहता है कृमि समूह के बीच में, लटों के बीच में, जीवों के बीच में, छोटे छोटे से, और वैसे भी ये जो मांस है इस मांस में तो प्रति क्षण जीवों की उत्पत्ति हो रही है, शरीर जो है ये औदारिक शरीर ये तो मांस है ना, और मांस में तो तरह जीवों की उत्पत्ति हो ही रही है प्रति क्षण। तो ये कह रहे हैं कृमि समूह से है, जन्म क्लेश से और जन्म के क्लेश से डर कर रहता है निष्पंद, निष्पंद क्यों रहता है, हिलता डुलता क्यों नहीं है वहां कि डर करके, जैसे मान लो कोई जो जितना ज्यादा डरता है ना उतना वो हिलता भी नहीं है। जैसे पीछे इस तरह की बातें कही थी वृद्धावस्था के संदर्भ में, निंद वचन नहीं सुन सके आते हैं, कान बहरे हैं और अपवित्र दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन, ऐसी बातें कही थी पीछे, तो ऐसे कहा कि अभी हिलता क्यों नहीं है, कि पीड़ित रहता है, घबराता रहता है, डरता रहता है इसलिए हिलता नहीं है। क्या कहा इन्होंने, निष्पंद क्यों रहता है, जन्म क्लेश से डर कर रहता है निष्पंद, और मरण जन्म का कारण, ये मरण का कारण कौन है, जन्म का मरण भी जन्म का कारण है, जन्म मरण का कारण है, तो समझ लो आप, अतः मरण भय से होता आक्रांत। ओहो देखो ये उल्टी बात कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं आप मरण से क्यों डरते हो, उसके पीछे क्या कारण है, उन्होंने कहा जन्म के दुख फिर भोगने पड़ेंगे ये मरण का भय है। यद्यपि कोई हमसे पूछे कि आप मौत से क्यों डरते हो तो हमें ये कारण पता नहीं है, लेकिन ये आचार्य देव अंदर की बात बता रहे हैं कि जन्म समय में कितनी तकलीफ और कितना दुख होता है, और मरने के बाद में जन्म अवश्यम भावी, मरण पूर्वक जन्म नियम से होता है, जिसका मरण होगा उसका जन्म नियम से होगा, मरण पूर्वक जन्म का तो नियम है लेकिन जन्म पूर्वक मरण का नियम नहीं है। क्या कहा, मरने के बाद तो जन्म का नियम है, जो मरेगा वो नियम से जन्मेगा, लेकिन जो जन्मेगा वो नियम से मरेगा ऐसा नहीं, निर्वाण भी हो सकता है ना, हर जन्म लेने वालों का मरण ही होता हो ऐसी बात नहीं है, निर्वाण भी होता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि भैया जिसका मरण हुआ है उसका तो घबराहट दिखाई देती है बहुत ज्यादा,
मरने के विचार मात्र से घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि फिर जन्म और फिर जन्म के अपार दुख। देखिए अर्थ पढ़े इसका। हे प्राणी, क्या बात कह रहे हैं प्राणियों के संदर्भ में कि हे प्राणी, कर्माधीन होकर तू माता के उदर रूपी विष्टा स्थान में रहा। कौन सी जगह पर रहा? कर्म अधीन होकर के रहना तो नहीं चाहता था क्या? तो उस सेठ को ये कह दिया कि तुम मर करके विष्टा में कीड़े होंगे, तो उसे अच्छा नहीं लगा, कीड़े बनने वाले हैं। और यदि मनुष्य गति का भी होवे तो ये कह रहे हैं विष्टा उदर रूपी विष्टा स्थान में रहा, ये कौन सा विष्टा में नहीं है? जन्म तो ऐसे स्थानों पर होता है जहां भी जन्म है। कर्माधीन होकर ये जो औदारिक शरीर वाले जितने जीव हैं, सब जीवों का जन्म हीन स्थानों पर ही होता है। वैक्रियक शरीर वालों में नारकियों का जन्म हीन स्थान पर, एकमात्र देव ऐसे हैं जो वैक्रियक शरीर वाले हैं जिनका जन्म उत्पाद शैयाओं पर होता है और वो उत्कृष्ट है वो जन्म। और ये जो गर्भ जन्म है, जराय जंड पुता नाम गर्भ है, और फिर सम्मूर्छन जन्म, ये सारे जो जन्म है, सम्मूर्छन जन्म हो, गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म, ये दोनों ही जन्म कैसे हैं? मनुष्यों और त्रियंशियों के होने वाले हीन स्थानों पर ही जन्म होता है, खूटे स्थानों पर जन्म होता है। जिन स्थानों को ये देखना पसंद नहीं करे, जिन स्थानों पर रहना पसंद नहीं करे, जो दुर्गंध और अपवित्रता से युक्त स्थान है, ऐसे ही स्थानों पर जन्म होता है मनुष्य त्रियंशियों का। तो मनुष्य जन्म कि हाँ, कर्माधीन होकर तो माता के उदर रूपी विष्टा स्थान में रहा और बढ़ने के लोभ से बहुत काल तक माता के चबाए हुए अन्न को भक्षण करना चाहा। देखो झूठा भी किस हद तक मतलब समझ लो आप, एक तो झूठापन ऐसा हो, हाथ लगाने से झूठा हो क्या, एक ऐसा हो कि जिस थाली में एक व्यक्ति बैठे हैं उसी थाली में दूसरा व्यक्ति भी बैठ जाए क्या, वो भी झूठा है। और एक ऐसा झूठा कि जिसमें घास तोड़ दिया और रख दिया, वो झूठा। एक ऐसा कि दांत से आधा तोड़ा और नीचे रख दिया, वो झूठा। और एक ऐसा कि मुंह में रख करके निकाल दिया, और ये कह रहे हैं मुंह में रख करके उसको चबा चबो करके बराबर कर दिया, अब निकालो उसको, अब खाओ, कौन खा सकता है? जो जगत में झूठा खाने वाले दिखाई देते हैं ना, वो भी ऐसा झूठा नहीं खा सकते जैसा झूठा हमने खाया। जगत में बहुत लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कहते हैं ऑन जोन सब चलती है, ऐसे लोग है ना दुनिया में बहुत, कहते हैं अरे हमारे कोई ऑन जोन का कुछ नहीं है चक्कर। तो ऐसे ऑन जोन का चक्कर नहीं है, वो भी क्या किसी के मुख में रखा हुआ घास, और न केवल रखा हुआ, उसे चबा करके जो उसका बना दिया, जो कुछ भी हाल उसका कर दिया, और फिर उसको निकाले, वो खा सकता है कोई? स्वयं नहीं देख सकता उसको, खुद का खुद नहीं खा सकता निकालने के बाद में। ये खाया क्या? कहा बढ़ने के लोभ से बहुत काल तक माता के चबाए हुए, खुद नहीं खा सकता, ये कह रहे माता के चबाए हुए अन्न, खाए हुए अन्न। इतने कभी अपन ने इस दृष्टि से विचार नहीं किया, जानते तो सभी हैं अपन, नई बात तो है नहीं, लेकिन जो शब्द जिस तरह से आचार्य देव ने यहाँ दिए हैं, इन शब्दों के अंदर अपन ने कभी विचार नहीं किया कि ऐसा ऐसा काम हुआ है। चबाए हुए अन्न को भक्षण करना चाहा, उसे प्राप्त करना चाहा, तथा पानी की एक बूंद मेरे मुंह में पड़ जाए, इस आशा से मुंह फाड़ेरा। अर्थात क्षुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित रहा, उदर के सिकुड़े स्थान में हेले डुले बिना वहां उत्पन्न होने वाली
लटों कीड़ों का सहचारी होकर रहा। गर्भावस्था में ऐसी दशा होती है, इसलिए हे प्राणी मैं ऐसा मानता हूँ कि जन्म अवस्था के क्लेश से डरकर ही तू जन्म के कारण भूत मरण से डरता है। ऐसा आचार्य जी यहाँ कहना चाहते हैं। कल अपन इन पंक्तियों के बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे और फिर मूर्खता की बात भी करेंगे, अपनी क्या मूर्खता है। हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी वाणी की बतिया, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी नर को में दुख ही दुख पाए, नर को में दुख ही दुख पाए, कंद कंद ये करवाए, आयो न चैन दिन रतिया तो भूमि चार रतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, पशु बन करके बोझ उठायो, हसुअन के भी हृदया किया मानी जिनवाणी की बतिया, हसुअन के भी हृदया किया मानी जिनवाणी की बतिया, हमने तो भूमि चार गतिया मानी जिनवाणी की बतिया, जब दुर्लभ मानुष तन पायो, जब दुर्लभ मानुष तन पायो, माया ममता में बिसरायो, माया ममता में बिसरायो, दीन अपनी सुरतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, अपनी सुरतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, हमने तो भूमि चार बतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, उदय से सुर गति पाई, उदय से सुर गति पाई, मरण समय माला मुर जाई, मरण समय माला मुर जाई, मर के फिर भय पेड़ पतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, मर के फिर भय पेड़ पतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, हम सम्यक घूमा तन जारी, अपने को पहचान पुजारी, अपने को पहचान पुजारी, गुरु के मानो सुनतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, सतगुरु की मानो सुनतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, हमने तो भूमि चार गतिया न मानी जिनवाणी की बतिया, जवानी के ज्ञान से सूझे रोकालो, तो मानी मस्त रहो सदा देत मूलो, सदा देत मूलो,
गुरु लाल श्याम जी माता।